अभी हमें कॉफी डे एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या फ्यूचर होने वाला है इस स्टॉक का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्या ये स्टॉक फ्यूचर के अंदर एक मल्टी वेगा स्टॉक बन सकता है, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको सर हमारी वीडियो से कुछ भी हेल्प हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अभी हम आपसे स्टॉक के ट्रेंड के ऊपर डिस्कशन करें, अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 50 डे एवरेज वॉल्यूम है 41 लाख का, जो काफी ज्यादा खराब अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक की रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर डिस्कशन करें, 1 मंथ के अंदर 10% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दे दिए, 1 ईयर के अंदर 26% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दे दिए, और 5 ईयर के अंदर 85% के नेगेटिव रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 700 करोड़ का। नंबर ऑफ फंड जिन्होंने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करा वो 26 के, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का है नेगेटिव के अंदर, रिटर्न प्रोफाइल भी हमें नेगेटिव के अंदर देखने को मिली थी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव के अंदर देखने को मिल रहा है। 22 में इनका अर्निंग पर शेयर था 2.48 का, वो डिक्रीज होके 23 के अंदर 1.58 का हो गया था। 22 में इनकी सेल्स थी 169 करोड़ की, वो इंक्रीज होकर 240 करोड़ की हो गई थी, 42% की ग्रोथ हमें सेल्स के अंदर देखने को मिली थी। अगर अभी हम आपसे इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग है 9.83% की, फॉरेन पोर्टफोलियो है 2.31 के, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है 62% के और अदर है 25% के। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिक्रीज होती हुई अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। कंपनी के पास टोटल शेयर कैपिटल है 200 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व है 2800 करोड़ के, और कंपनी के ऊपर डेट है 450 करोड़ का। सर अगर आपने इस स्टॉक के अंदर नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अभी आपको इस स्टॉक के अंदर होल्ड करके चलना चाहिए डेली बेसिस पे। अभी आपको इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आरएसआई के अंदर भी अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्टॉक का जो ये वाला लेवल था वो काफी स्ट्रॉन्ग अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक ने एक कैंडल के साथ ब्रेकआउट करता है, जैसे ये स्टॉक अपसाइड के अंदर 39.50 की प्राइस को स्ट्रॉन्ग कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, 47 के फर्स्ट टारगेट वीकली बेसिस पे आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर इस स्टॉक ने 32 की प्राइस को डाउन साइड के अंदर ब्रेकआउट कर दिया, ये स्टॉक वीक हो जाएगा। जो भी हमने आपके साथ शेयर करें ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।